दैट्स इट. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज मिड ब्रेन. दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज इम्पॉर्टेंट इन टू रिस्पेक्ट्स. वी कैन से फर्स्ट इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम. यस, यू हैव स्टडीड ब्रेन स्टेम, राइट? ब्रेन स्टेम पता है ना सबको? से यस और नो. ऐसे ब्लैंक मत बैठो. न्यूरो का टॉपिक है. आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीजें सीधे आपके ऊपर से जाती हैं. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. बट इफ यू विल कंटिन्यूअसली रीड इट एंड यू विल आस्क योर डाउट्स, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है न्यूरो नेट में. ऐसा कुछ नहीं है. सो डोंट फील दैट इट इज अ डल क्लास. यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिव सो दैट द क्लास कैन बी इंटरेस्टिंग. आई कैन नॉट चेंज द टर्मिनोलॉजीज. दैट इज नॉट इन माई हैंड. बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट. ठीक है, अभी आपने ब्रेन स्टेम की दो और क्लासेस अटेंड करी है, राइट? कौन कौन सी? यस, कौन सी? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स. यस, सो द थ्री इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ब्रेन स्टेम आर द मिड ब्रेन, द पॉन्स एंड द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. प्लीज रिमेंबर दैट वी डू नॉट इंक्लूड द सेरिबेलम इन द मिड ब्रेन. ठीक है, अगर हम हाइंड ब्रेन की बात करेंगे तो वहां तीन कॉम्पोनेंट्स आते हैं, दैट इज द पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम. बट इफ समबडी आस्क यू अ क्वेश्चन दैट वॉट इज अ ब्रेन स्टेम, देन यू हैव टू टेल इट इज मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला लाइनिंग इन द सेम प्लेन. ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताओ, वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल, विच इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम? एनीबडी कैन रेज द हैंड एंड आंसर. Which is the smallest part of the brainstem? हाथ तो raise करके बोलो. Yes? Nobody knows. एक को भी नहीं पता. Then you are at the end of the brainstem. This is the last topic of the brainstem. Mid brain, correct. And which is the largest? Largest? How many are saying medulla? Raise your hands. How many are saying medulla? Raise your hands. एक ही बच्चा बोल रहा है क्या? And how many are saying pons? Pons कौन कौन बोल रहा है? Raise your hand. कोई भी नहीं बोल रहा pons. The correct answer is pons. The largest part of midbrain is pons. And the smallest, sorry, largest part of brainstem is pons. And the smallest is the midbrain. ये question आपको मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये वाइवा में और एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं. So I think you should be attentive during the lecture, because during lecture only we tell you some important questions which are important for your MCQ and Viva. And now I request everybody to be silent now. Aapki first class khatam ho chuki hai and the gap is also over. It's better to be sincere now. And if you are not interested, then leave right now. Jise nahi attend karni hai class, please abhi chale jao. Don't disturb me and rest of the students because the topic is little complicated. It's better to pay attention. Please be quiet. And I won't repeat again and again. Next time I find if the students are continuously talking, sitting at the back, then I will stop the topic and I'll leave. It's up to you now. Entire class will suffer and I will write a note also that the midbrain is completed by my... On my respect, it is completed. On my aspect, it is completed. Now it is up to you. It's better to pay attention. If you are not interested and you feel that you are literally feeling boring during the neuroanatomy sessions, you can leave. It's okay. No problem. But if you are sitting, then be attentive and listen to whatever is being taught. Okay, so we'll start with the midbrain now. First of all, इंट्रोडक्शन, जिसे मैंने आपको अभी बताया, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम. यस, नाउ व्हाट इज द लोकेशन एंड हाउ इट इज एक्चुअली कनेक्टेड. सो मिड ब्रेन इज अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, दिस यू ऑल नो. मिड ब्रेन, देन कम्स द पॉन्स विच इज अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर. इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मिड ब्रेन एंड नेक्स्ट इज द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. यस, दिस यू ऑल नो. एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द पॉन्स एंड द सेरिबेलम. It is connecting them with the forebrain. So forebrain से अगर connection establish किया जाए hind brain के दो parts का, कौन से दो parts हैं? एक तो cerebellum और एक आपका pons. इन दोनों को कौन connect करता है forebrain से? It is the midbrain. Midbrain is present between the forebrain and the hind brain, and it is connecting
द सेरिबेलम एंड द पॉन्स विद द फोर ब्रेन. अब फोर ब्रेन का मतलब है सेरिबेलम एज वेल एज द डाइसेफेलॉन. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, वेयर इट इज लोकेटेड इन द बॉडी. इट इज लोकेटेड एग्जैक्टली इन द अपर पार्ट, इट इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द पॉन्स. इट इज पासिंग अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स. यस, पॉन्स के ऊपर ही लोकेटेड रहेगा एंड इन एंड बिलो द डायंसेफेलॉन. अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन लोकेट करें, इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द डायंसेफेलॉन एंड ऑन द अपर एस्पेक्ट ऑफ द पॉन्स. ऑल्सो इट इज पासिंग थ्रू अ गैप इन द वेरी इंपॉर्टेंट फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर दैट इज नोन एज टेंटोरियम सेरिबेलाय एंड गेट्स कवर्ड बाय द टू इंपॉर्टेंट हेमिस्फेयर्स ऑफ द सेरिब्रम दैट इज द सेरिब्रल हेमिस्फेयर. तो अगर आपने ब्रेन की पिक्चर देखी है तो आपको पता होगा दैट द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेरिब्रम एंड द सेरिब्रम इज हैविंग टू हेमिस्फेयर दैट इज द सेरिब्रल हेमिस्फेयर. सो बोथ ऑफ देम आर कवरिंग द ब्रेन स्टेम इन सच अ वे दैट द मिड ब्रेन इज लाइंग अंडरनीथ द टू हेमिस्फेयर एंड इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय अ फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर. देर इज अ गैप विच इज प्रेजेंट इन द टेंटोरियम सेरिबेलाय थ्रू विच द मिड ब्रेन इज स्पीकिंग आउट. तो दैट इज द एग्जैक्ट पोजिशन. ठीक है, बुक में एक बार डायग्राम और देखना इसका तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. इफ यू आर हैविंग एटलस तो उसमें बहुत अच्छे से दिखा रखा है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डायमेंशंस. बहुत छोटा सा है, स्मॉलेस्ट पार्ट है. सो डायमेंशंस में क्या है, लेंथ इज ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज ऑल्सो 2.5. तो इट इज ऑलमोस्ट हैविंग द सेम लेंथ एंड द विड्थ. इज इट क्लियर? यस बेटा, एक जना ये गेट क्लोज कर दो क्योंकि कंटिन्यूअसली बाहर से भी हो रहा है. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स कैविटी. आई होप यू नो वॉट इज द कैविटी. वेंट्रिकल्स सबको पता है? यस और नो? वेंट्रिकल्स पता है ना? तो वेंट्रिकल्स आर नथिंग बट द कैविटीज विच आर प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज द नेम ऑफ कैविटी ऑफ द सेरिब्रम? सेरिब्रम की कैविटी को क्या बोलते हैं? लेटरल वेंट्रिकल्स. देर आर टू लेटरल वेंट्रिकल्स, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर. ठीक है, फिर थर्ड वेंट्रिकल किसकी कैविटी है? इट इज द कैविटी ऑफ डायंसेफेलॉन. ठीक है, डायंसेफेलॉन के अंदर जो वेंट्रिकल जो कैविटी प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द थर्ड वेंट्रिकल. वॉट अबाउट द मिड ब्रेन? मिड ब्रेन इज वेरी वेरी स्मॉल, सो इट इज नॉट हैविंग अ बिग कैविटी. इंस्टेड इट इज हैविंग अ कैविटी विच इज मोर और लाइक अ कैनाल. ठीक है, एक कैनाल की तरह होती है, छोटी सी कैनाल, पतली. तो उसको हम बोलते हैं एक्वीडक्ट. क्या बोलते हैं? एक्वीडक्ट. और द कंप्लीट नेम इज सेरिब्रल एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस. ठीक है, सो द सेरिब्रल एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस इज द कैविटी ऑफ द मिड ब्रेन. समझ में आ रहा है? ठीक है, और उसके बाद ये किससे कनेक्ट हो जाएगी? अल्टीमेटली विद द नेक्स्ट कैविटी विच इज द कंबाइंड कैविटी ऑफ द हाइंड ब्रेन विच इज द फोर्थ वेंट्रिकल. तो इन टोटल वी आर हैविंग फोर वेंट्रिकल्स एंड वी आर हैविंग वन एक्वीडक्ट. ठीक है, तो एक्वीडक्ट आपकी मिड ब्रेन में मिलेगी, बाकी सब में आपको प्रॉपर वेंट्रिकल्स मिलेंगे. फर्स्ट सेकंड वेंट्रिकल, दोज आर लेटरल वेंट्रिकल्स, देन द थर्ड वेंट्रिकल एंड अल्टीमेटली द फोर्थ वेंट्रिकल. एंड देर इज अ कनेक्शन एस्टैब्लिश बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू दिस कैनाल विच इज द मिड ब्रेन एंड दैट इज द सेरिब्रल एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस. इज इट क्लियर टू ऑल? ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो अगर एक्वीडक्ट बोल रहे हैं इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा माइन्यूट है. ठीक है, एंड इससे आप ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि मिड ब्रेन खुद कितना ज्यादा स्मॉल है. इज इट क्लियर? ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज वेंट्रिकल्स? क्या होता है इसके अंदर? देयर इज अ कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ द सीएसएफ इज कंटिन्यूअसली रनिंग इन दीज वेंट्रिकल्स. यस, सर्क्यूलेशन ऑफ द सीएसएफ. ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक. नाउ जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडीइंग एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन, है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडीइंग पॉन्स, मेड्यूला या मिड ब्रेन, चलो हम ब्रेन स्टेम की बात कर लेते हैं. कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमको पता होना चाहिए कि हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है. ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन एंड द डायमेंशंस, द फीचर्स, द लोकेशन, पोजिशन, ये सब हमने बातें कर ली है. दीज आर द इंट्रोडक्टरी पार्ट्स. नाउ देर आर टू पार्ट्स इन विच वी विल बी स्टडिंग द एंटायर मिड ब्रेन. एक होता है एक्सटर्नल फीचर्स और एक होता है इंटरनल फीचर. समझ में आ रहा है? तो किसी भी टॉपिक का एक्सटर्नल फीचर भी पढ़ना है और इंटरनल फीचर भी आपको पढ़ना है. ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स में हम
ये बताएंगे कि एक्सटर्नली उस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें मिलेंगी, है ना, एक्सटर्नली उसमें क्या क्या लैंडमार्क्स हैं जो हमको पता होने चाहिए. एंड इंटरनल का मतलब है वी आर टेकिंग अ कट सेक्शन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर, इट मीन्स वी आर टेकिंग अ कट सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ LS और TS. तो इन केस ऑफ ब्रेन स्टेम वी ऑलवेज टेक TS, ट्रांसवर्स सेक्शन. आपने कहीं और भी पढ़ा है ट्रांसवर्स सेक्शन? यस, मेड्यूला में पढ़ा था, पॉन्स में पढ़ा था, यस और नो? यस. सो सेम यू विल बी डूइंग एट द मिड ब्रेन ऑल्सो. ठीक है, सो फर्स्ट वील क्विकली गो थ्रू द एक्सटर्नल फीचर्स एंड देन वील मूव टू द इंटरनल फीचर्स. सो इफ यू टॉक अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द मिड ब्रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज हैविंग टू सरफेसेस. देखो अगर पोजिशन देखोगे मिड ब्रेन की, मिड ब्रेन इज लाइक दिस. सो एक तो होगा एंटीरियर एस्पेक्ट और एक होगा पोस्टीरियर एस्पेक्ट. सो एंटीरियर सर्फेस इज नोन एज वेंट्रल सर्फेस एंड पोस्टीरियर सर्फेस इज नोन एज डॉर्सल सर्फेस. यू कैन सी दिस पिक्चर, सी दिस पिक्चर, दिस इज शोइंग द मिड ब्रेन. ठीक है, दिस इज द शेप ऑफ द मिड ब्रेन एंड हेयर इन द मिड ब्रेन यू आर. अभी इसमें अच्छे से समझ लेना, मैं दोबारा ये चीज रिपीट नहीं करूंगी. पे अटेंशन टू दिस टू अंडरस्टैंड ऑल द एक्सटर्नल फीचर्स इन वन इमेज. ठीक है, सी इस एक्सटर्नल फीचर्स में आपको पहले ये पता होना चाहिए विच इज द एंटीरियर एस्पेक्ट एंड विच इज द पोस्टीरियर एस्पेक्ट. ठीक है, यू आर सीइंग द मिड ब्रेन लाइक दिस. ठीक है, दिस पोर्शन हियर इज द एंटीरियर एस्पेक्ट. ठीक है, ये एंटीरियर एस्पेक्ट है और ये क्या है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट. ठीक है, हम मिड ब्रेन को कहां से देख रहे हैं, ऑलमोस्ट फ्रॉम द टॉप, सुपीरियर व्यू से देख रहे हैं. ठीक है, नाउ इन दिस यू कैन क्लियरली सी दिस एंटायर इज द एंटीरियर एस्पेक्ट. कैन यू सी दिस लाइन? ठीक है, दिस लाइन इज बेसिकली एन इमेजिनरी लाइन विच इज डिवाइडिंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन. स्टॉप. सो यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर एस्पेक्ट. दिस रेड लाइन शोज द इमेजिनरी डिविजन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन. ठीक है, आप पहले ये वाली लाइन देखिए. दिस लाइन रिप्रेजेंट द टू हाफ. Okay, they are not equal halves. This entire is the anterior aspect of the midbrain and this small one is the posterior aspect, जिसे हम dorsal बोलते हैं. ठीक है, anterior aspect में आपको तीन parts मिलेंगे. Most anteriorly you are finding this area. This is known as crest cerebri. क्या बोलते हैं, crest cerebri. ठीक है, in between there is second part and that is known as substantia nigra. ठीक है, जो middle layer है वो क्या है, substantia nigra. And you can clearly see this is shaded with grey color because it is having lots of melanin pigment. ठीक है, इसमें melanin pigment का concentration बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से इसका जो coloration है वो कैसा आता है, greyish blackish. ठीक है, इसलिए इसका name क्या है, substantia nigra. ठीक है, nigra word means related to black tone. Is it clear? Then this entire part which is the posterior most part of the anterior aspect of the midbrain is known as tegmentum. क्या बोलते हैं, tegmentum. So the anterior aspect of the midbrain in together or combinedly is known as a peduncle. Which peduncle? Cerebral peduncle. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है जिसके तीन subdivisions थे उसे क्या बोलते हैं, cerebral peduncle. ये सब चीजें आपको लिखनी है external features. ठीक है, alone the posterior aspect is known as tectum. समझ में आ रहा है? तो हम कैसे याद कर सकते हैं, मिड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू, एंटीरियरली इट इज द सेरिब्रल पेडंकल एंड पोस्टीरियरली इट इज द टेक्टम. सेरिब्रल पेडंकल इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. मोस्ट एंटीरियरली इज द क्रस्ट सेरिब्राई, देन सबस्टेंशिया नाइग्रा, देन टेगमेंटम. समझ में आ गया? फिर बीच में आपको यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ द ग्रे मैटर. ठीक है, एंड दिस एग्जैक्टली इज द एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस. मैंने बताया था ना कैविटी है, तो ये छोटी सी जो कैविटी आपको दिख रही है दिस इज द एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस और सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस. और इसको सराउंड जो कर रहा है वो क्या है, ग्रे मैटर है. कभी भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इफ अ ग्रे मैटर इज सराउंडिंग एनी वेंट्रिकल और कैविटी दैट इज नोन एज पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर. तो इसे हम क्या बोलते हैं, पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर. पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग, बाउंड्री. ठीक है, सो पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर इज सराउंडिंग द
वेंट्रिकल और द एक्विडक्ट ऑफ द मिडब्रेन. इज इट क्लियर टू ऑल? तो ये सबको समझ में आ गया. ठीक है, देखो तीनों जो चीजें हैं ना, अगर हम एंटीरियर एस्पेक्ट की बात करते हैं, सेरिब्रल पेडंकल की बात करते हैं, तो क्रस्ट सेरिब्राय के खुद के कुछ फीचर्स है जो हम डिस्कस करेंगे, सबस्टेंशन आयग्रा के कुछ फीचर्स है वो हम डिस्कस करेंगे, एंड टेगमेंटम अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है. वो हम कब करेंगे? जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. ठीक है, इसके अलावा अगर हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट की बात करते हैं, पोस्टीरियर एस्पेक्ट इज हैविंग ओनली अ सिंगल पोर्शन विच इज नोन एज टेक्टम. And this tectum is having, can you see these elevations? Yes, ये elevations दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना? क्योंकि हम ऊपर वाले व्यू से देख रहे हैं, हम superiorly देख रहे हैं, तो हमें ये elevation समझ में नहीं आएंगे. But when we'll see the midbrain from the dorsal aspect, पीछे से देखेंगे, तो you will find four circular elevations. आपको चार circular elevations दिखेंगे, two on the upper aspect and two on the lower aspect. The upper two are known as superior colliculus. क्या बोलेंगे? Superior colliculus, and lower ones are known as inferior colliculus. अब ये जो term है, इसका बहुत important role है midbrain में. कैसे? Because whatever internal structure we will be studying, we'll study at these levels. ठीक है, तो अगर हम transverse section लेंगे, तो एक लेंगे at the level of superior colliculus और एक लेंगे at the level of inferior colliculus. So upper two colliculus, one on the right side, one on the left side. They are the superior colliculus and lower one is the one on the left and one on the right side is the inferior. Overall, अगर हम इनको बात करें तो इससे क्या बोला जाता है? Corpora quadrigemina. ठीक है? This is a term which is used for the colliculus. Colliculus is singular and colliculi is plural. तो अगर आप एक साथ बताते हो that the tectum contains four colliculi, so then it is a plural term. ठीक है? But individually बता रहे हो superior and inferior, then you can use the term colliculus. ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको एक डायग्राम में बताया. ठीक है, नाउ वी विल सी दिस. ओके, इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं एक्सटर्नल फीचर्स में मिड ब्रेन के. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रस्ट सेरिब्राय इज ऑल्सो नोन एज क्रूरा सेरिब्राय. ठीक है, अनादर नेम है. और कितने क्रस्ट सेरिब्राय हैं? दो क्रस्ट सेरिब्राय हैं. ठीक है, नाउ व्हाट एल्स? दिस टू क्रस्ट सेरिब्राय आर अल्टीमेटली having a posterolateral boundary which is known as interpeduncular fossa. अब इस पिक्चर में वापस देख लो आप, which is the interpeduncular fossa. You can clearly see over here. This is the interpeduncular fossa. It is present between the posterolateral margins of the two crust cerebri. तो ये भी पता होना चाहिए. ठीक है, इसका भी रोल है. Okay. Now what else? Important landmark in this. Oculomotor nerve emerges from a groove on the medial side of each crust cerebri. So, crust cerebri के medial side से कौन सी nerve emerge हो रही है? Oculomotor nerve. तो इस वजह से ये बहुत important है. Coming to the dorsal surface, ventral surface की बात करिए. Dorsal surface में मैंने आपको बताया था, there are four colliculi. Yes, they are known as corpora quadrigemina. ठीक है, तो जो आपकी superior inferior colliculi है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना. ठीक है, द डॉर्सल सर्फेस इज शोइंग दीज एलिवेशंस इन द फॉर्म ऑफ दीज कॉलिक्यूलाई. ठीक है, अब ये जो चार कॉलिक्यूलाई है, ऐसे दो ऊपर दो नीचे, इनको कैसे सेपरेट किया जाता है? दे आर सेपरेटेड बाय द हेल्प ऑफ अ क्रूसीफॉर्म सल्कस. कौन सी सल्कस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रूसीफॉर्म? क्रॉस. तो इस तरीके से, कैन यू सी, इस तरीके से एक प्लस का साइन बनेगा, क्रॉस का साइन बनेगा. तो ये एक कंपार्टमेंट की तरह डिवाइड कर देगी. 1, 2, 3 and 4. फोर कॉलिक्यूलाय विल अल्टीमेटली लाई इन दीज क्रूसीफॉर्म सल्कस. सो दिस सल्कस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज डिवाइडिंग द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मिड ब्रेन इंटू फोर कॉलिक्यूलर. ठीक है, अल्टीमेटली देयर इज प्रेजेंस ऑफ अनादर नर्व, दैट इज द ट्रॉक्लियर नर्व. आई होप यू नो दैट द थर्ड एंड द फोर्थ नर्व इमर्जेस फ्रॉम द मिड ब्रेन. ठीक है, तो ट्रॉक्लियर नर्व कहां मिलेगी? इट इमर्जेस वन ऑन ईस्ट साइड ऑफ फ्रेन्यूलम वेलाय. दीज नर्व डीकसेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकसेट? क्रॉसिंग. तो ये टर्म आप हर जगह सुनोगे, है ना, डीकसेशन, डीकसेट. ठीक है, इन द सुपीरियर मेड्यूलरी वेलम एंड फर्दर इट कर्ल्स अराउंड द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द सेरिब्रल पेडंकल्स एंड रन फॉरवर्ड. तो अल्टीमेटली मिड ब्रेन में इसका पार्ट नहीं है, बट हमें मिड ब्रेन में ट्रॉक्लियर नर्व क्रॉस करते हुए दिखेगी एट द लेवल ऑफ द सुपीरियर मेड्यूलरी वेलम. ठीक है,
तो वो एक क्रॉसिंग जो है वो हमको याद करनी है. देयर इज अ डीकसेशन, न्यूक्लियस जो है वो अलग जगह मिलता है और वाइट मैटर अलग जगह मिलता है. आई होप यू नो दिस. जो न्यूक्लियस है दैट इज द पार्ट ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है, एंड व्हाइट मैटर में हमें बाकी के नर्व फाइबर्स मिलेंगे. ये तो पता है ना? यस. सो वही चीज हम जब ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे उसमें आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है. इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए रिलेटेड टू द एक्सटर्नल फीचर्स. एक वर्ड आपने सुना होगा, सुपीरियर ब्रेकियम एंड इंफीरियर ब्रेकियम. ये वर्ड्स आप दोबारा सुनोगे जब आप ऑडिटरी और विजुअल पाथवेज पढ़ोगे, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, अगर हम बात करते हैं सुपीरियर ब्रेकियम की, पढ़ लिया ना पाथवेज, तो ऑडिटरी और विजुअल पाथवे हो गया ना? नहीं हुआ अभी? हेड एंड नेक में नहीं करवाया था? टंग के साथ में और सॉरी इसके साथ में, ईयर के साथ में ऑडिटरी पाथवे नहीं हुआ और आई के साथ में नहीं करवाया? चलो कोई बात नहीं, आगे वाली क्लासेस में ले लेंगे. तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सुपीरियर ब्रेकियम की बात की जाए, ये होता क्या है. देयर इज अ बंडल ऑफ वाइट फाइबर्स विच आर कनेक्टिंग द सुपीरियर कॉलिक्यूलस ऑफ द मिड ब्रेन विद द लेटरल जेनिक्यूलेट बॉडी. ये टर्म याद रखना, लेटरल जेनिक्यूलेट बॉडी से सुपीरियर कॉलिक्यूलस कनेक्ट होता है एक बंडल ऑफ वाइट फाइबर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर ब्रेकियम, ठीक है. ऐसे ही इंफीरियर ब्रेकियम भी होता है. अब वो क्या होगा, वो भी एक बंडल है वाइट फाइबर्स का, बट दैट विल कनेक्ट द इंफीरियर कॉलिक्यूलस टू द मीडियल जेनिक्यूलेट बॉडी. तो सुपीरियर किससे कनेक्ट हो रहा है, लेटरल जेनिक्यूलेट बॉडी से, और मीडियल किससे कनेक्ट हो रहा है, इंफीरियर से. ना दोनों में इंटरेस्टिंग क्या है, जो सुपीरियर कॉलिक्यूलस है वो क्या लेके जा रहा है, फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक ट्रैक्ट मींस विजुअल पाथवे, ठीक है. और जो आपका इंफीरियर कॉलिक्यूलस है जिसमें आपकी मीडियल जेनिक्यूलेट बॉडी है, दैट इज टेकिंग फाइबर्स फॉर द ऑडिटरी पाथवे हियरिंग, ठीक है. तो दोनों स्पेशल सेंसेस जो हैं आपके, दैट इज विजन एंड हियरिंग, दे आर अल्टीमेटली रिलेटेड विद द मिड ब्रेन, है ना. द टू इंपॉर्टेंट कॉलिक्यूलस ऑफ द मिड ब्रेन, दैट इज द सुपीरियर एंड द इंफीरियर, थ्रू द टू जेनिक्यूलेट बॉडीज, लेटरल एंड द मीडियल. आ रहा है ये समझ में? ये इंपॉर्टेंट है, इस पे भी वाइवा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और एमसीक्यू में भी आता है, ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको बहुत ध्यान से सुनना. सारे नए टर्म्स हैं, स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक डायग्राम आपको, इसमें दो डायग्राम्स आएंगे क्योंकि दो लेवल पे हैं. ये दोनों डायग्राम्स आपको एग्जाम में बनाने हैं जब आपके मिड ब्रेन पे क्वेश्चन आता है. अगर आप नहीं बना रहे हैं, यू वोंट स्कोर मार्क्स, क्योंकि मिड ब्रेन इज इनकम्प्लीट विदाउट द ट्रांसवर्स सेक्शन, बिकॉज दोनों ट्रांसवर्स सेक्शन अलग हैं. जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन सुपीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पे लेंगे, यू विल फाइंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन द ट्रांसवर्स सेक्शन. एंड इफ यू आर टेकिंग द ट्रांसवर्स सेक्शन एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिक्यूलस, यू विल फाइंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है. तो पहले पढ़ लेते हैं क्या इंटरनल स्ट्रक्चर में. सबसे पहले इन द ट्रांसवर्स सेक्शन मिड ब्रेन शोज फॉलोइंग पार्ट्स. क्या क्या दिखेगा? एंटीरियरली हमें सेरिब्रल पेडंकल्स दिखेंगे जो आपने उस पिक्चर में भी देखे थे, और पोस्टीरियरली हमें क्या दिखेगा? टेक्टम. यस. अब जो एंटीरियर सेरिब्रल पेडंकल्स हैं उनको तीन में डिवाइड किया, जो सेम एक्सटर्नल में भी देखा था हमने, क्रस्ट सेरिब्रा, सबस्टेंशन निग्रा एंड टेगमेंटम. टेगमेंटम के अंदर हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें दिखी थी. देखो वापस से इस पिक्चर में देख लो क्या दिखी थी. एक तो हमको क्या दिखा है, सेरिब्रल एक्विडक्ट दिख रही है और पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर दिख रहा है, ठीक है. ये दो चीजें हमें टेगमेंटम में दिखी है. क्लियर टू ऑल? ओके. नाउ कमिंग टू द पोस्टीरियर पार्ट, दैट इज द टेक्टम. इसमें क्या दिखे थे? कॉलिक्यूलस, सुपीरियर कॉलिक्यूला एंड द इंफीरियर कॉलिक्यूला, और साथ में एक चीज और है, दैट इज द प्रीटेक्टल न्यूक्लियस. अब ये जो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है, ये अपने आप में क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है. इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. यहां तक समझ में आ गया? क्लियर टू ऑल? ओके. मूविंग फर्दर वी कैन सी नाउ इंडिविजुअल पार्ट्स. पहले हम बात करते हैं क्रस्ट सेरिब्राय की. क्रस्ट सेरिब्राय इज ऑल्सो नोन एज बेसिस पेडंक्यूलाय. इसका दूसरा नेम क्या है? बेसिस पेडंक्यूलाय. देखो इसमें मैं नटशेल में आपको बताती हूँ कि हमें बेसिकली मिलेगा क्या. क्रस्ट सेरिब्राय दो है, आपको पता है पेयर्ड है, राइट एंड द लेफ्ट. यू कैन अगेन सी इन द पिक्चर, कैन यू सी, दिस इज द राइट एंड दिस इज द लेफ्ट क्रस्ट सेरिब्राय और द बेसिस पेडंक्यूलाय, और इन बिटवीन क्या है? इंटरपेडंक्यूलर फोसा, ठीक है. चलो इसके बाद में आपको पता होना चाहिए इसके एंटेरोलेटरली क्या है, द स्ट्रक्चर विच इज लोकेटेड पोस्टीरियर टू इट. इट इज लोकेटेड एंटेरोलेटरली टू द सबस्टेंशिया निग्रा एंड इट इज हैविंग वाइट फाइबर्स. इसमें वाइट फाइबर्स मिलेंगे विच कनेक्ट सेरिब्रम
विद द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन स्टेम. तो बहुत इंपॉर्टेंट है द कनेक्शन ऑफ सेरिब्रम दैट इज द फोर ब्रेन विद द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन स्टेम इज थ्रू द क्रस्ट सेरिब्राय. ओके, नाउ व्हाट एल्स वी आर फाइंडिंग? वी आर फाइंडिंग कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको न्यूक्लियर एंड कॉर्टिको पॉन्टाइन फाइबर्स इन दिस. ठीक है, आपने स्पाइनल कॉर्ड पढ़ी है ना और उसमें ट्रैक्स पढ़े हैं, येस और नो? ठीक है, तो कहीं ना कहीं वापस से वो एक बार आप रिकॉल करो. इसमें हमें फाइबर्स किस किस के मिलेंगे? कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको न्यूक्लियर एंड कॉर्टिको पॉन्टाइन. कॉर्टिको पॉन्टाइन इज हैविंग टू, फ्रंटो पॉन्टाइन एंड टेम्पोरो पॉन्टाइन फाइबर्स. ठीक है, ये सारे के सारे हमें किसमें मिलेंगे? इन द रीजन ऑफ द क्रस्ट सेरिब्रम. ठीक है, नाउ कॉर्टिको स्पाइनल एंड कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स ऑक्यूपाई मिडिल टू थर्ड्स ऑफ द क्रस्ट. तो बीच का जो मिडिल टू थर्ड है वहां पे कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स मिलेंगे. वेयर एज जो हमारा आगे वाला पार्ट है फ्रंटोपॉन्टाइन वाला जो है, फ्रंटोपॉन्टाइन फाइबर्स मीडियल 1/6 ऑक्यूपाई करेंगे, टेम्पोरोपॉन्टाइन जो है वो आपका लेटरल 1/6 ऑक्यूपाई करेंगे. तो दीज आर लोकेशन ऑफ द फाइबर्स प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ क्रस्ट सेरिब्रम. ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. अब हम एक बार के लिए टेगमेंटम देखते हैं. सबस्टेंशन एग्रा अलग से पढ़ेंगे. टेगमेंटम में क्या है? सबसे डॉर्सल पार्ट है. ठीक है, एंड इट इज लोकेटेड डॉर्सल टू द सबस्टेंशन एग्रा एंड वेंट्रल टू द टेक्टम. दिस यू ऑल नो. ठीक है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज अल्टीमेटली डिफरेंट. टेगमेंटम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सुपीरियर कॉलिक्यूलस और इंफीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पे अलग होता है. अलग अलग चीजें मिलेंगी हमें इसमें. ठीक है, टेक्टम इज अगेन नोन एज कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना बिकॉज उसमें हमें क्या मिलेंगे? फोर कॉलिक्यूला. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ कमिंग टू द सुपीरियर कॉलिक्यूलस, और इससे पहले एक बार के लिए सबस्टेंशन आयग्रा देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे कॉलिक्यूलस. पहले सबस्टेंशन आयग्रा को समझो. सबस्टेंशन आयग्रा इज प्रेजेंट इन बिटवीन द क्रस्ट सेरिब्रा एंड द टेगमेंटम. ठीक है, दिस इज अ ब्राउन पिगमेंटेड लेमाइना ऑफ ग्रे मैटर इन द मिड ब्रेन. यस, इट सेपरेट्स क्रस्ट सेरिब्राय फ्रॉम द टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन. ये इसका मेन एग्जैक्टली लोकेशन है. शेप कैसा है इसका? क्रीसेंट शेप, हाफ मून शेप का है. एंड इफ यू सी द पिक्चर वंस अगेन यू कैन सी दैट द सबस्टेंशिया नाइग्रा इज हैविंग टू बाउंड्रीज. यस, ये इसकी वेंट्रल बाउंड्री है, इसकी डॉर्सल है. डॉर्सल बाउंड्री इज स्मूथ एंड हैविंग अ कॉन्केविटी. यस, वेयर एज द वेंट्रल बाउंड्री इज हैविंग सम स्पाइक्स. कैन यू सी? सो ये एक हाफ मून शेप स्ट्रक्चर है. एंटीरियर बाउंड्री इज हैविंग स्पाइक्स एंड पोस्टीरियर बाउंड्री इज द स्मूदर वन. ठीक है, इसमें वापस देख सकते हो ये सेम चीज. ठीक है, सो दिस इज क्रीसेंट शेप. मीडियल एंड इज थिकर. इट इज कॉन्केव एंड स्मूथ डॉर्सली एंड इट इज कॉन्वेक्स एंड हैज स्पाइक्स वेंट्रल. ओके, दिस सबस्टेंशिया नाइग्रा इज अगेन हैविंग पार्ट्स. दो पार्ट्स हैं. कौन कौन से? फर्स्ट इज नोन एज डॉर्सल कॉम्पैक्ट जोन और पार्स कॉम्पैक्टा. जो डॉर्सल वाला है उसे क्या बोलेंगे? पार्स कॉम्पैक्टा. दूसरा है वेंट्रल रेटिक्यूलर जोन, उसे बोलेंगे पार्स रेटिक्यूलरिस. अब ये नाम क्यों है ऐसा? इसका भी रीजन है. द डॉर्सल पार्ट और द कॉम्पैक्ट पार्ट इज नोन एज पार्स कॉम्पैक्टा बिकॉज इट इज हैविंग स्मॉल न्यूरोनल सेल्स. और अरेंज कैसे हैं? एक दूसरे के बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में. अगर न्यूरोनल सेल्स एक दूसरे के क्लोजली अटैच्ड होंगे तो पार्ट कैसा बनेगा? कॉम्पैक्ट. ठीक है, एंड दे प्रोड्यूस व्हाट? दे आर डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स. दे आर प्रोड्यूसिंग द डोपामाइन. ठीक है, जबकि जो वेंट्रल रेटिक्यूलर पार्ट है पार्स रेटिक्यूलरिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेटिक्यूलर? इट इज अ मैश वर्क है ना. तो इट इज हैविंग फ्यू सेल्स बट दे आर प्रोड्यूसिंग गाबा. दे आर गाबा प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स. तो पार्स रेटिकुलरिस में गाबा प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स है और पार्स कॉम्पैक्टा में डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स. तो ये आपको पता होना चाहिए. द सेल्स ऑफ पार्स कॉम्पैक्टा कंटेन मिलानिन पिगमेंट. मैंने आपको कहा था कि सबस्टेंशिया नाइग्रा में मिलानिन पिगमेंट का सिक्रीशन रहता है ना, उसकी वजह से उसका कलर डार्क होता है. ठीक है, ऑल द सेल्स ऑफ सबस्टेंशिया नाइग्रा सिंथेसाइज डोपामाइन विच रीचेज द कॉर्पस ट्राइएटम थ्रू देयर एक्सॉन्स. ऑब्वियसली एक्सॉन्स के थ्रू ही जाएगा क्योंकि जो सेल बॉडीज है वो तो वहीं पे एग्जिस्ट करेंगी. ठीक है, इन्हें हम अलग तरीके का नेम देते हैं, दैट इज द नाइग्रो स्ट्रिएटेड फाइबर्स. नाइग्रो इसलिए बिकॉज ये नाइग्रा से आ रहे हैं, सबस्टेंशिया नाइग्रा से. ठीक है, कनेक्शन देख लो इसके किस किस से कनेक्शन है. दो कनेक्शन मिलेंगे एफ्रंट एंड ईफ्रंट फाइबर्स के, कॉर्पस ट्राइएटम, रेड न्यूक्लियस एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन. तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं आप आगे पढ़ोगे
वॉट इज कॉर्पस ट्राइएटम, जब आप इंटरनल कैप्स्यूल पढ़ोगे ना, बेसल गैंग्लिया पढ़ोगे, तब आपको ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करूंगी, अदरवाइज बहुत सारी चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। यहां तक समझ में आ गया हमने कैसे कैसे पार्ट में डिवाइड किया? ठीक है, फंक्शन क्या है अल्टीमेटली सब्सटेंशिया निग्रा का? इट इज हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। बेसिकली इट इज हैविंग अ रोल इन एक्स्ट्रा पिरामिडल फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिरामिडल? पिरामिडल क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड पढ़ी है ना, पिरामिडल ट्रैक्ट्स पढ़ी है, एक्स्ट्रा पिरामिडल भी पढ़ा है, यस और नो? अब डोंट से वी आर ब्लैंक, ये तो मत बोलना। देखो मैं वापस से डिस्कस नहीं करूंगी, बट आई कैन जस्ट से दैट अपार्ट फ्रॉम द पिरामिडल ट्रैक्स, देयर आर सम एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स। उनका सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो किससे होता है? सब्सटेंशिया निग्रा से रिलेटेड है। कैसे? इट इज परफॉर्मिंग द एक्स्ट्रा पिरामिडल फंक्शन सच एज कंट्रोलिंग द मूवमेंट्स, फाइन मूवमेंट्स ऑफ आई, मोटर प्लानिंग एंड रिवॉर्ड सीकिंग। फॉर एग्जाम्पल, जो आई का कोऑर्डिनेशन है बहुत फाइन मूवमेंट है, ठीक है, उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम हमारी मोटर प्लानिंग का मतलब है हमारा मूवमेंट डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी आई से प्रिसाइसली कोई चीज देखी एंड यू फील दैट आई शुड मूव टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड अल्टीमेटली आई हैव टू टेक समथिंग। तो आपको उसके लिए एक प्लान करना पड़ेगा कि मुझे यहां से चल के यहां तक आना और फिर यहां से कुछ उठाना है, यस और नो? सो दिस इज अ कंट्रोल्ड फाइन मूवमेंट विच इज एग्जीक्यूटेड बाय द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक, ठीक है। एंड जो एक्स्ट्रा पिरामिडल फंक्शन है उसको अल्टीमेटली उसका जो सेंटर है वो किसमें है? सब्सटेंशिया निग्रा पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अब कॉलिक्यूलस की, दोनों कॉलिक्यूलाय की। एक है हमारा सुपीरियर कॉलिक्यूलाय विच इज प्रेजेंट इन द टेक्टम एंड द इंफीरियर कॉलिक्यूलाय। नाउ वॉट इज एग्जैक्टली प्रेजेंट इन द सुपीरियर कॉलिक्यूलाय? सुपीरियर कॉलिक्यूलाय इज हैविंग फ्लैटेंड मासेस ऑफ 7 कंसेंट्रिक ऑल्टरनेटिंग लेमाइने। 7 कंसेंट्रिक का मतलब समझ रहे हो, एक के अंदर एक है ना। तो देयर आर 7 कंसेंट्रिक ऑल्टरनेटिंग लेमाइने विच आर हैविंग फ्लैटेंड मासेस ऑफ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, ठीक है। कौन कौन सी लेयर्स हैं एक बार देखो सुपीरियर कॉलिक्यूलस में। लेयर 1, 2, 3 कॉन्स्टिट्यूट पार्ट्स ऑफ विजुअल सिस्टम एंड रिसीव सेंसरी इनपुट्स फ्रॉम द रेटिना एंड विजुअल कॉर्टेक्स, 1, 2, 3। फिर 4 to 7 कंसिस्ट पार्ट्स ऑफ ऑडिटरी सिस्टम एंड दे विल बी रिसीविंग सेंसरी इनपुट फ्रॉम द इंफीरियर कॉलिक्यूलस बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द मीडियन, इट इज एसोसिएटेड विद द मीडियन जेनिक्यूलेट बॉडी एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिटरी पाथवे, ठीक है। अब इसके बाद ये जो लेयर्स हैं ये पूरा का पूरा एक सोमैटो सेंसरी सिस्टम क्रिएट करेंगी एंड विल रिसीव द स्पाइनो टेक्टल फाइबर्स। सो अल्टीमेटली अ सोमैटो सेंसरी सिस्टम इज डेवलप्ड इन द सुपीरियर कॉलिक्यूलस। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है सुपीरियर कॉलिक्यूलस इज रिलेटेड विद, इट इज रिलेटेड विद द सोमैटो सेंसरी सिस्टम, ठीक है। फंक्शन क्या है सुपीरियर कॉलिक्यूलस का? इट इज इंटीग्रेटिंग ऑल द सेंसरी इनपुट्स एंड जनरेट्स रिफ्लेक्सेस सच एज रिफ्लेक्स ओरिएंटेशन ऑफ द आईज, हेड एंड नेक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल, ऑडिटरी एंड सोमैटिक स्टिमुलाई। तो हमारा जब भी एक रिफ्लेक्स से आप जैसे हेड एंड नेक को मूव करते हो, आई कोऑर्डिनेशन किया, हेड एंड नेक मूव किया, या कुछ सुना एकदम से आपने अपने हेड एंड नेक को मूव किया, दैट इज अल्टीमेटली अ रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस एंड दैट स्टिमुलस इज अल्टीमेटली इन द सोमैटो सेंसरी सिस्टम ऑफ द सुपीरियर कॉलिक्यूलस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो जो भी चीज पढ़ाई जा रही है उसका 50% अगर यहाँ समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, बिकॉज रेस्ट 50% आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे न्यू टर्म्स हैं, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन है पुराने टॉपिक के साथ। न्यूरो इज इंटरकनेक्टेड, ऐसा नहीं है कि न्यूरो एनाटॉमी में आपने एक चैप्टर चूज कर लिया और उसको पढ़ लिया, नो, ईच एंड एवरी चैप्टर इज रिलेटेड विद द प्रीवियस और द फोर्थ कमिंग वन। तो न्यूरो हम हमेशा पूरा कंबाइंडली पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको साथ के साथ में हम बोलते हैं कि रोज आप थोड़ा जाके पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है फंक्शंस में? इफ्रेंट फाइबर्स क्या करेंगे? दे फॉर्म सुपीरियर कॉलिक्यूलस एंड गोस टू मोटर न्यूक्लियाई ऑफ 3rd, 4th, 6th, 7th and 11th क्रेनियल नर्व, ठीक है, वाया द टेक्टो बल्बार ट्रैक्ट। तो इफ्रेंट फाइबर्स कौन कौन से न्यूक्लियस से जा रहे हैं? 3rd, 4th, 6th, 7th and 11th क्रेनियल नर्व थ्रू द टेक्टो बल्बार ट्रैक्ट, टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट टू एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर हॉर्न सेल्स पे हमारी कौन सी वाली ट्रैक जा रही है? टेक्टो स्पाइनल। एंड अल्टीमेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम दैट इज द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम
उसमें क्या लोकेटेड है? रेड न्यूक्लियस, सबस्टेंशिया नाइग्रा, रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड द सेरिबेलम, जिसमें सबस्टेंशिया नाइग्रा भी डिस्कस किया था हमने. सो दैट इज द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम. ऑल्सो द फाइबर्स विल गो टू द ऑपोजिट सुपीरियर कॉलिक्यूलस एंड टू द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल. मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल इज अ स्मॉल बॉडी विच इज लोकेटेड इन द टेगमेंटम पार्ट ऑफ द मिडब्रेन. ठीक है, तो ये सारा का सारा सुपीरियर कॉलिक्यूलस है. इन्फीरियर ज्यादा नहीं है. इन्फीरियर कॉलिक्यूलस में हमें बस पता होना चाहिए इसमें क्या प्रेजेंट है. इट इज अगेन हैविंग अ कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस. फंक्शन क्या है? इट इज एसोसिएटेड विद द ऑडिटरी पाथवे एंड ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्सेस. एफरेंट फाइबर्स रिसीव्स ऑडिटरी इनपुट्स फ्रॉम द लेटरल लेमिनिस्कस एंड एफरेंट फाइबर्स विल अल्टीमेटली हैव मोस्ट ऑफ द फाइबर्स विच विल गो टू द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ द सेम साइड. सम ऑफ द फाइबर्स रिले. सारे फाइबर्स नहीं जाएंगे, कुछ फाइबर्स होल्ड ऑन भी होंगे, रुकेंगे. कहां पर रुकेंगे? ऑपोजिट इंफीरियर कॉलिक्यूलस में, कुछ सुपीरियर कॉलिक्यूलस में ऑफ द सेम साइड एंड अल्टीमेटली टू द सेरिबेल. ठीक है, तो ये सारा का सारा एक फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ सकते हो कि किस तरीके से फाइबर्स कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं और कहां पे जाके रिले कर रहे हैं और कहां से अल्टीमेटली पहुंच रहे हैं. ठीक है, नाउ कम्स अनदर टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट क्लिनिकली, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस. ये वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया है. यस, व्हाट इज प्रीटेक्टल न्यूक्लियस? प्रीटेक्टल न्यूक्लियस इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स. एक छोटा सा ग्रुप है विच इज लाइंग वेंट्रल टू द सुपीरियर कॉलिक्यूलस. सुपीरियर कॉलिक्यूलस के थोड़ा सा आगे मिलता है वेंट्रली. ठीक है, एफरेंट फाइबर्स रिसीव्स इंपल्सेस फ्रॉम रेटिना थ्रू द ऑप्टिक ट्रैक्ट एंड सुपीरियर ब्रेकियम. सुपीरियर ब्रेकियम में क्या था? व्हाइट फाइबर्स से ना, बंडल ऑफ व्हाइट फाइबर्स विच इज कनेक्टिंग द सुपीरियर कॉलिक्यूलाय विद द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी. वेरी गुड. एंड विजुअल कॉर्टेक्स थ्रू ऑप्टिक रेडिएशन. सो जो एफरेंट फाइबर्स है वो पूरा का पूरा विजन से रिलेटेड फाइबर्स कैरी कर रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा जो एफरेंट फाइबर्स हैं वो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस. एफरेंट फाइबर्स किस किस को दे रहा है? एक दे रहा है एडिंगर वेस्टपाल न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस पढ़ा है क्या कहीं? कहां पर पढ़ा था? ऑक्यूलो मोटर नर्व में. यस, इट इज द डॉर्सो लेटरल पार्ट ऑफ द ऑक्यूलो मोटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द ऑक्यूलो मोटर नर्व. यस, उसी को हम क्या बोलते हैं? एडिंगर वेस्टपाल न्यूक्लियस. ठीक है, बायलेटरली देन इट इज गिविंग टेक्टो स्पाइनल एंड टेक्टो बल्बर ट्रैक्स. फंक्शंस क्या है अल्टीमेटली प्रीटेक्टल न्यूक्लियस के? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज इन्वॉल्व्ड इन प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स एंड कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स. इसका मतलब क्या है कि यहां पर अगर कोई क्लिनिकल पैथोलॉजी हो जाती है या कोई लीजन हो जाता है तो उस केस में क्या होगा? देयर विल बी अ लॉस ऑफ द लाइट रिफ्लेक्स. ठीक है ना, जो प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स है कि अकॉर्डिंग टू द लाइट है ना, हमारा प्यूपिल अपना साइज चेंज करता है. यस और नो? दैट इज प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स. एंड कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स का मतलब होता है अकोमोडेशन. वी अकोमोडेट आर आई साइट अकॉर्डिंगली. यस, सो दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द प्रीटेक्टल न्यूक्लियस लोकेटेड ऑन द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूलस. इज इट क्लियर टू ऑल? अब इसका सेम टाइम पे आप क्लिनिकल इंटीग्रेशन देख लो. इट इज नोन एज लीजन ऑफ द प्रीटेक्टल न्यूक्लियस इज नोन एज आर्गिल रॉबर्टसन प्यूपिल. आर्गिल रॉबर्टसन प्यूपिल मीन्स अगर किसी पेशेंट में डिटेक्ट हुआ है लीजन तो इट मीन्स देर इज लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स बट अकोमोडेशन रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट. ठीक है, इस कंडीशन में लाइट रिफ्लेक्स तो चला जाएगा बट अकोमोडेशन रिफ्लेक्स अभी भी होल्ड ऑन रहेगा इफ देर इज लीजन ऑफ द प्रीटेक्टल न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट है, इसके थ्रू भी आप मिडब्रेन के फीचर्स देख सकते हो. ठीक है, लोकेशन क्या है, सरफेसेस क्या होते हैं, वेंट्रल सरफेस पे क्या है, डॉर्सल सरफेस पे क्या है. एग्जाम में फ्लो चार्ट बनाओ और फिर एक एक को डिटेल में एक्सप्लेन कर दो. दैट इज द बेस्ट वे टू गेन मार्क्स. ठीक है, नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, दैट इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मिडब्रेन एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिक्यूलस. पहले ये पढ़ेंगे. पहले इंफीरियर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये छोटा है. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सुपीरियर कॉलिक्यूलस. ठीक है, इंफीरियर कॉलिक्यूलस पे पहले सबसे पहले ये डायग्राम देख लो. ओके, द सेक्शन ऑफ मिडब्रेन एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिक्यूलस शोज एंटीरियर सेरिब्रल पेडंकल एंड पोस्टीरियरली व्हाट? टेक्टम. ठीक है, द सेरिब्रल पेडंकल कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट सेरिब्राय, सबस्टेंशिया नाइग्रा एंड टेगमेंटम एंड पोस्टीरियर टेक्टम कंटेन्स ऑफ सुपीरियर एंड ओनली इंफीरियर. क्योंकि इसमें हम सेक्शन कहां से ले रहे हैं? इंफीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पे. ठीक है, अब देखो क्रस्ट सेरिब्राय में ट्रैक्ट्स मिलेंगे कौन कौन से? कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको न्यूक्लियर, फ्रंटोपोन्टाइन, टेम्पोरोप्रोन्टाइन,
पेराइटोपोन्टाइन एंड ऑक्सीपिटोपोन्टाइन, ये सारे के सारे जो आपको ट्रैक्ट चाहिए किसमें मिल जाएंगे, इन द क्रस्ट सेरिब्राई पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिक्यूलस. ठीक है, सब्सटेंशन निग्रा इस टाइम पे क्रिसेंट शेप की ही मिलेगी. यहाँ पर हमें ब्राउन पिगमेंट्स मिलेंगे, बैंड ऑफ ग्रे मैटर रहेगा जिसमें इट गिव्स राइज टू डोपा माइनर्जिक नाइगो स्ट्राइएटेड फाइबर्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. टेक्टम इस लेवल पे हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंफीरियर कॉलिक्यूलस. इट इज एसोसिएटेड विद द ऑडिटरी पाथवे एंड ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्स. नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर, ये एग्जाम में भी बनानी है और इसी को पूरा एक्सप्लेन करना है. तो यहाँ पे देख लो एक बार, इसमें सारा का सारा टीएस है, बस पूरा इसी में ही है. ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया ये पूरा का पूरा क्रस्ट सेरिब्रा है, इसमें हमें आप देखो शेड कर रखा है कलर से, इसमें आप बता सकते हो, यू कैन सी ओवर हियर दिस इज द टेम्पोरोपोन्टाइन पेराइटोपोन्टाइन एंड ऑक्सीपिटोपोन्टाइन फाइबर्स लेटरल 16. मैंने डिस्कस किया था ना स्टार्टिंग में, तो दिस इज लेटरल 16. देन इन द मिडिल 2/3 वी आर हैविंग कॉर्टिको न्यूक्लियर एंड कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स एंड इन द मीडियल 16 we are having frontopontine fibers. ठीक है, as it is इसमें मिलेगा. ठीक है, फिर यहाँ पर आपको substantia nigra में वही आपको bundles मिलेंगे neuron के. ठीक है, आगे आ जाओ in the region of the tegmentum. अब ये बहुत important है, ये पूरा tegmentum का region है. tegmentum के region में हमें सबसे important चीज जो मिलेगी वो ये मिलेगा, that is the midbrain reticular formation. There is a reticular formation which is present in the region of the tegmentum in the level of inferior colliculus. This is the midbrain reticular formation. And on either sides, we will find lateral, spinal, trigeminal and medial laminiscus. So, char laminiscus milegi. Isko aap aise yaad kar sakte ho, LSTM ya MTSL, jisse bhi aapko yaad rehta hai. The lateral laminiscus, the spinal laminiscus, the trigeminal laminiscus and the medial laminiscus. Theek hai? And what you will find over here, in between, in the center, you will find three important structures. सबसे top पे है medial longitudinal bundle, ये छोटा सा. Then you will find two important tracts, tectospinal tract and rubrospinal tract, which is present in the midline. अब ये क्या है बीच में? This is a decussation or decussation. This decussation is of the superior cerebellar peduncle. जो सेरिबेलम के कनेक्शंस हैं विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन स्टेम. ठीक है, उसमें जो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल है वो डीकसेट करता है इन द टेगमेंटम पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिक्यूलस. तो वो हमें यहाँ पे दिखेगा. आप समझ रहे हो इस डायग्राम की इंपॉर्टेंस कितनी है. दिस डायग्राम इफ यू आर ड्रॉइंग करेक्टली यू विल गेन फुल मार्क्स. एंड क्वेश्चन क्या आता है, कई बार शॉर्ट नोट आता है, ड्रॉ द टीएस ऑफ मिड ब्रेन एट इंफीरियर कॉलिक्यूलस. So you have to draw this diagram and you have to label it correctly and you will get full marks. ये important है, इस पे question आता है. ठीक है, इसके बाद में चलो ये तो पूरा का पूरा पार्ट किसका हो गया, टेगमेंटम का. अब इधर आ जाओ किस पे, ग्रे मैटर पे. दिस इज द एक्विडक्ट एंड दिस इज द पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर. वॉट इज प्रेजेंट, यू कैन फाइंड टू न्यूक्लियस ओवर हियर. दो न्यूक्लियस मिल रहे, कौन कौन से? एक है न्यूक्लियस ऑफ द ट्रोक्लियर नर्व which is located in the ventral aspect of the periaqueductal gray matter and another is the mesencephalic nucleus of the trigeminal nerve which is present on the dorsolateral aspect of the periaqueductal nucleus. ठीक है, तो ये mesencephalic nucleus trigeminal nerve का और यहाँ पे trochlear nerve का nucleus मिलेगा. तो ये क्या है, cell body है पूरा. और यहाँ से क्या emerge हो रहा है, the nerve fibers. That is the axon. So, ye jo nerve fiber hai, this is the trochlear nerve which is originating. And can you see the trochlear nerve is then decussating at the level of superior medullary vellum. Okay, so this is the level of the superior medullary vellum. And yahan pe kya mil raha hai? Frenulum villi. Okay, so yahan par kya ho jayega? Decussation. And last, at the level of inferior colliculus, you will find the nucleus of the inferior colliculi which is round nucleus. ठीक है, तो ये सारे के सारे structures अगर आप बना के explain कर रहे हो, it means your answer is complete. तो देखो inferior colliculus में ज्यादा structures नहीं है, इतने ही है, ज्यादा structures मिलेंगे at the level of superior colliculus. ये समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद में इनके significance देख लेते हैं.
सो यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर इन द लेवल ऑफ द इंटीरियर कॉलिकुलस, ये फ्लो चार्ट देखो, इससे सब समझ में आएगा. सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, सेरिब्रल पेडंकल की. और है ना, सेरिब्रल पेडंकल में भी तीन चीजें होती हैं, क्रस्ट सेरिब्रा, सब्सटेंशन निग्रा, टेगमेंटम. जिसमें क्रस्ट सेरिब्रा हम डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन से फाइबर्स मिलेंगे हमें, ठीक है. सब्सटेंशन निग्रा भी एज इट इज है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है. टेगमेंटम में दो पार्ट्स हैं, ग्रे मैटर एंड वाई मैटर. ग्रेट मैटर में पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर मिला था, दिखाया अभी आपको मैंने पिक्चर में. यस, उसमें क्या मिला था, ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस और मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व, ठीक है. एंड देयर इज अ रेटिकुलर फॉर्मेशन. यस, रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द मिड ब्रेन. व्हाट अबाउट द व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर में हमें फोर लेमिनिस्कस मिले थे, कौन कौन से, मीडियल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमाइनल लेमिनिस्कस, स्पाइनल लेमिनिस्कस एंड लेटरल लेमिनिस्कस, ठीक है. इसके अलावा क्या मिली थी हमें, ट्रॉक्लियर नर्व मिली है जिसका डीकसेशन हो रहा है, ठीक है. ऑल्सो देयर इज अ डीकसेशन ऑफ द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स, ठीक है. एंड प्रेजेंस ऑफ थ्री मोर स्ट्रक्चर्स इन द मिड लाइन. व्हाट आर द थ्री मोर स्ट्रक्चर्स, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल बंडल, टैक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट एंड द रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है. तो अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, एक फ्लो चार्ट बना के और डायग्राम बना रहे हो, इट इज सफिशियंट फॉर द एग्जामिनर टू गिव यू मार्क्स, ठीक है. टेक्टम के अंदर हमें क्या मिलेगा, अब ये तो इंटीरियर एस्पेक्ट था सेरिब्रल पेडंकल का. टेक्टम में इंफीरियर कॉलिक्यूलस ही मिलेगा क्योंकि उस लेवल पे टीएस लिया है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिटरी पाथवे एंड द ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्सेस. तो इंफीरियर कॉलिक्यूलस पे आता है तो बहुत ईजी पड़ता है. सुपीरियर कॉलिक्यूलस पे कई बार आ जाता है बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आएगा ही आएगा. इट डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द एग्जामिनर कि वो कैसे पेपर सेट कर रहा है. जनरली इंफीरियर कॉलिक्यूलस पे देते हैं, क्यों, क्योंकि वो बच्चों के लिए भी ईजी रहता है बनाना और रिटेन करना, ठीक है. इसके रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हमको पता होने चाहिए, ये हम मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिए हैं. ट्रॉक्लियर नर्व इज बेसिकली, अच्छा न्यूक्लियस कैसा होता है ट्रॉक्लियर नर्व का, इट इज अ कंप्लीटली मोटर न्यूक्लियस. ट्रॉक्लियर नर्व किसको सप्लाई करती है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स पड़े थे, ट्रॉक्लियर नर्व करवाती है, सुपीरियर ओब्लिक, वेरी गुड. सो इट इज अ कंप्लीटली मोटर न्यूक्लियस एंड इट इज लोकेटेड इन द पैरामीडियन पोजिशन, है ना, हमने देखा था, इन द पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर. इसके अलावा जो ट्रॉक्लियर नर्व है उसका ये पूरा का जो कोर्स इसमें दिख रहा है वो इंट्रा न्यूरोनल कोर्स है क्योंकि अभी उसने एग्जिट नहीं किया है फोरामेन को, है ना, स्कल में एंटर नहीं हुई है, ठीक है. ओके, ये हम इसमें नहीं डिस्कस करेंगे, आप पढ़ चुके हो. इसके अलावा जो मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस है ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व, ये कैसा न्यूक्लियस है, इट इज अ सेंसरी न्यूक्लियस. ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस इज मोटर न्यूक्लियस, दिस इज अ सेंसरी न्यूक्लियस एंड इट लाइज इन द लेटरल पार्ट ऑफ द सेंट्रल ग्रे मैटर, ठीक है. इसका क्या फंक्शन है, एक यूनिक फंक्शन है इसका, इट इज हैविंग ओनली यूनिपोलर न्यूरॉन्स और जिसकी वजह से जो प्रोप्रियोसेप्टिव इंपल्सिस है वो कहां कहां पे जाएंगी, क्योंकि ट्राइजेमाइनल है ना, तीन डिविजन्स होते हैं, ऑप्थैल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर. सो इट विल अल्टीमेटली गो टू द मसल्स ऑफ मास्टिकेशन, टीथ, ऑक्यूलर एंड फेशियल मसल्स. सो इट इज रिलेटेड विद द थ्री डिविजन. तो ये मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस की एक अपने आप में इंपॉर्टेंस है, ओनली यूनिपोलर न्यूरॉन्स मिलेंगे एंड इसके जो इंपल्सेस हैं वो मसल्स ऑफ मास्टिकेशन, टीथ, ऑक्यूलर एंड फेशियल मसल्स को जाएंगे, ठीक है. इसके अलावा न्यूक्लियर ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन मैंने आपको दिखाई दिया है, इट इज लोकेटेड इन द ब्रेन स्टेम. सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल का डीकसेशन हमने देख लिया है, ठीक है. लेटरल लेमिनिस्कस का हमने इसमें देखा है, ठीक है. मीडियल, स्पाइनल और ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस भी साथ में मिलेंगे, ठीक है. नेक्स्ट कम, दैट इज द लास्ट वन, दैट इज द टीएस एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूलस, ठीक है. अब इसमें इस सेक्शन में हमें क्या मिलेगा, इन दिस सेक्शन वी विल फाइंड द सेरिब्रल पेडंकल्स विच इज कंसिस्टिंग ऑफ सेरिब्रल सॉरी क्रस्ट सेरिब्रा, सब्सटेंशन निग्रा एंड टेगमेंटम. टेक्टम पे लेवल पे क्या मिलेगा, ओनली सुपीरियर कॉलिक्यूलस, ठीक है. एंड इट इज एसोसिएटेड, देखो सुपीरियर कॉलिक्यूलस में क्या था, सोमैटोसेंसरी था ना, तो इट इज एसोसिएटेड विद द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड एंड नेक इन रिस्पॉन्स टू द विजुअल स्टिमुलाई, ठीक है. एंड इट इज हैविंग ऑल द सोमैटोसेंसरी रिफ्लेक्सेस, ठीक है. तो इसमें क्या क्या चीजें मिल रही है, टेगमेंटम में वही है, सब्सटेंशन निग्रा एंटीरियरली है, टेक्टम उसके पोस्टीरियरली है. क्या क्या स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर दिखेगा, यहां पे ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस और उसका एक और पार्ट एडिंगर वेस्टपाल न्यूक्लियस और मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस एज इट इज रहेगा ट्राइजेमाइनल नर्व का. देन वी विल फाइंड द प्री टेक्टल न्यूक्लियस ऑल्सो, है ना, प्री टेक्टल न्यूक्लियस पढ़ा था ना अभी, और साथ में एडिशनल एक रेड न्यूक्लियस मिलेगा जो अपने आप में एक्स्ट्रा पिरामिडल फंक्शन में इन्वॉल्व रहेगा,
ठीक है, एंड अगेन द न्यूक्लियाई ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन इन द ग्रे मैटर ऑफ द टेगमेंटम। और व्हाइट मैटर में क्या मिलेगा, डॉर्सल, दो देखो इसमें दो डीकसेशंस मिलेंगे, नॉट ऑफ द पेडंकल्स, नाउ दीज डीकसेशंस आर ऑफ द ट्रैक, कौन सी ट्रैक, डॉर्सल टेगमेंटल डीकसेशन विच इज पर्टेनिंग टू द टेक्टोस्पाइनल एंड टेक्टोबल्बर ट्रैक्स, और दूसरा सेंट्रल टेगमेंटल डीकसेशन, इसे वेंट्रल टेगमेंटल डीकसेशन भी कहते हैं, इट इज ऑफ द डीकसेशन ऑफ रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्स। तो दो इसमें जो डीकसेशन है वो पेडंकल्स का है या ट्रैक्स का है, ट्रैक्स का, और उसमें किसका डीकसेशन है, पेडंकल्स का, प्लस यू विल बी हैविंग अ डीकसेशन ऑफ नर्व ऑल्सो इन द इंफीरियर कॉलिक्युलस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल फाइंड मीडियन लॉन्गिट्यूडनल बंडल, जो उसमें भी था इसमें भी है, एंड यू विल फाइंड ओनली थ्री लेमिनिस्काय, उसमें चार लेमिनिस्काय थी ना, कौन कौन सी, लेटरल, स्पाइनल, मीडियल एंड ट्राइजेमाइनल, और इसमें कौन कौन से हैं, मीडियल टू लेटरल, इनका ऑर्डर क्या रहेगा, मीडियल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमाइनल एंड स्पाइनल, तो इसमें लेटरल लेमिनिस्कस नहीं होगा, ठीक है। एंड यू विल अगेन फाइंड द फाइबर्स ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व, उसमें ट्रॉक्लियर नर्व के थे, इसमें ऑक्यूलोमोटर, दिस इज द पिक्चर फॉर द टीएस एट द लेवल ऑफ द सुपीरियर कॉलिक्युलस। तो हियर यू कैन सी, देखो डिफरेंस है दोनों में बहुत ज्यादा, नीचे से स्टार्ट करेंगे वापस, दीज आर ऑल द फाइबर्स, ठीक है, वो सेम रहेंगे बिल्कुल क्रस्ट सेरिब्राय में। प्लीज स्टॉप टॉकिंग नाउ, इसके अलावा सब्सटेंशियल आईब्रो अनटच करना है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आ जाओ इन द रीजन ऑफ द टेगमेंटम। टेगमेंटम में हमें यहाँ पे ओनली तीन क्या मिलेंगी, लेमिनिस्कस, दैट इज द स्पाइनल, ट्राइजेमाइनल एंड मीडियल, एंड यू विल फाइंड हेयर इन द मिड लाइन द टू राउंड बिग न्यूक्लियस, दैट इज द रेड न्यूक्लियस, जो इसमें इंपॉर्टेंटली मिलेगा, इट इज इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा पिरामिडल फंक्शन। इन बिटवीन द रेड न्यूक्लियस यू विल फाइंड टू डीकसेशन, क्या है डीकसेशन, एक तो है वेंट्रल साइड में, दिस इज वेंट्रल टेगमेंटल डीकसेशन ऑफ फॉरल, इसे क्या बोलते हैं, वेंट्रल टेगमेंटल डीकसेशन ऑफ फॉरल, और दूसरा वाला जो मिलेगा डॉर्सल वाला, उसे क्या बोलेंगे, डॉर्सल टेगमेंटल डीकसेशन ऑफ मेनस। तो ये वर्ड आपको लिखना है ना, ये ट्रैक्स का डीकसेशन है, तो डॉर्सल टेगमेंटल डीकसेशन ऑफ मेनस एंड वेंट्रल टेगमेंटल डीकसेशन ऑफ फॉरल, ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, मिड ब्रेन रेटिक्यूलर फॉर्मेशन, है ना, जो हमें उसमें भी मिला था। अब अलग क्या है यहाँ पर, यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस मिल रहा है, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस जो है इसका पोजिशन सेम है, जैसे उसमें भी था ना, ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस जो था वो हमें पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर में ही मिल रहा था इन द मिड लाइन, यहाँ पर भी वही है, बट वहां पे क्या हो रहा था, जो नर्व फाइबर था वो ऐसे अराइज करके डीकसेट कर रहे थे, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, नर्व फाइबर्स विल मूव डाउनवर्ड, इट विल पास हेयर फॉलोइंग द मिड ब्रेन, देन द इंटरपेडेंकुलर फोसा, फिर नीचे पॉन्स और मेड्यूला, ये नीचे तक जाएंगे, और एक फाइबर जो यहाँ से रेड न्यूक्लियस से निकल के जाएगा, दैट इज द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, इट विल गो डायरेक्टली टू द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, एक्स्ट्रा पिरामिडल फंक्शन, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो नर्व फाइबर्स हैं यहाँ से निकल रहे हैं, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व, एंड द डीकसेशन इज टेकिंग प्लेस इन बिटवीन द टू रूट्स ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल बंडल, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मीडियन लॉन्गिट्यूडनल बंडल मिलेगा, दोनों ट्रैक्स यहाँ पर एब्सेंट है ना, यहाँ पे ट्रैक्स नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा ये कौन सा न्यूक्लियस है, दिस इज द मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व, इट इज एज इट इज जस्ट लाइक द इंफीरियर कॉलिक्यूलस, एंड हेयर यू विल फाइंड द प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, जो अलग से प्रेजेंट है, और लोकेशन क्या थी प्रीटेक्टल न्यूक्लियस की, वेंट्रल टू द सुपीरियर कॉलिक्यूलस, तो ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ द सुपीरियर कॉलिक्यूलस, एंड वेंट्रल टू दिस यू विल फाइंड द प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, एंड हेयर इन द सेंटर यू विल फाइंड द सिल्वियस, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, किसका है, एट द लेवल ऑफ द सुपीरियर कॉलिक्यूलस, दोनों में ज्यादा चेंजेस नहीं है, अगर एक अच्छे से याद हो गया है तो दूसरा आप ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर सकते हो, कीपिंग इन माइंड फ्यू चेंजेस, ठीक है। दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मिडब्रेन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूलस, अगेन टू पार्ट, सेरिब्रल पेडंकल एंड टेक्टम, सेरिब्रल पेडंकल में वापस से क्रस्ट सेरिब्राय है, और क्या है आपके साथ में, सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड द टेगमेंटम। टेगमेंटम के दो पार्ट्स हैं, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, इसमें ग्रे मैटर में हमें पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर मिलेगा, आपको ऑक्यूलोमोटर नर्व न्यूक्लियस मिलेगा, एडिंगर वेस्टपाल न्यूक्लियस इज नथिंग बट द सेम ऑक्यूलोमोटर नर्व न्यूक्लियस, इट्स डॉर्सोलेटरल पार्ट, है ना।
इट इज नोन एज एडिंगर वेस्टपाल न्यूक्लियस. देन मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ नर्व, प्रीटेक्चुअल न्यूक्लियस, रेड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन. व्हाइट मैटर में दो डीकसेशंस हैं, डॉर्सल टेगमेंटल डीकसेशन ऑफ मेनट एंड वेंट्रल टेगमेंटल डीकसेशन ऑफ फॉरल. ठीक है, एमएलबी इज द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल, थ्री लेमिनिस्काय, मीडियल, ट्राइजेमाइनल एंड स्पाइनल एंड फाइबर्स ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व. ये सारे के सारे हमें किसमें मिलेंगे, इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूलस. ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ कमिंग लास्ट टू द रेड न्यूक्लियस, क्योंकि एक्स्ट्रा पिरामिडल फंक्शन पढ़ रहे हैं तो रेड न्यूक्लियस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. होता क्या है, सबसे पहले इसका शेप कैसा है, सिगार शेप्ड एंड इट इज अ मास ऑफ ग्रे मैटर, मतलब इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप. ठीक है, लोकेशन कैसी है इसकी, इट इज लोकेटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ टेगमेंटम क्लोज टू द मीडियन प्लेन, देखा था आपने अभी उसमें, बिहाइंड द सबस्टेंशिया निग्रा एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूलस. ये रेड न्यूक्लियस इंफीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पे नहीं दिखेगा. ठीक है, साइज ऑलमोस्ट 0.5 सेंटीमीटर, बहुत छोटा होता है. कलर कैसा है इसका, पिंक. इसका कलर पिंक क्यों है, हाईली वैस्क्यूलर है. फ्रेश स्पेसिमेन में देखेंगे तो बहुत डार्क पिंक कलर का मिलता है. इट इज हैविंग रिच वैस्क्यूलर सप्लाई. ठीक है, और इसके सेल के अंदर हमें क्या मिलेंगे, आयरन पिगमेंट. तो आयरन का भी एक टेंडेंसी है टू इम्पार्ट रेडिश पिंकिश कलर, इस वजह से इसका नाम क्या है, रेड न्यूक्लियस. तो ये वाइवा में पूछ लिया जाता है, व्हाई रेड न्यूक्लियस इज नोन एज रेड न्यूक्लियस, द रीजन इज इट इज हाईली वैस्क्यूलर एंड इट इज हैविंग आयरन पिगमेंट. ठीक है, अब इसके कनेक्शंस आपको याद करने, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. डिफरेंट कनेक्शंस हैं, सेरिबेलो रूब्रल फाइबर्स फ्रॉम कॉन्ट्रालेटरल डेंटेट न्यूक्लियस ऑफ सेरिबेलम, कॉर्टिको रूब्रल फाइबर्स फ्रॉम इप्सिलेटरल मोटर एरिया, पैलेडो रूब्रल फाइबर्स फ्रॉम ग्लोबस पैलेडम, फ्रॉम सबथैलेमस, सुपीरियर कॉलिक्यूलस एंड सबस्टेंशिया निग्रा. ठीक है, इफ्रेंट फाइबर्स रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रालेटरल एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, देन रूब्रो बल्बर ट्रैक टू क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, रूब्रो रेटिक्यूलर ट्रैक टू रेटिक्यूलर फॉर्मेशन, रूब्रो ऑलिवरी, रूब्रो थैलेमिक, रूब्रो सेरिबेलर एंड रूब्रो निग्रल फाइबर. ये सारे के सारे ट्रैक्स हैं जो आप स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ चुके हो, कहीं ना कहीं उसमें रेड न्यूक्लियस की मेंशन की गई होगी. ठीक है, फंक्शन क्या है अल्टीमेटली रेड न्यूक्लियस का, इट इज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम. ठीक है, तो कभी भी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम आएगा तो रेड न्यूक्लियस सबस्टेंशिया निग्रा आपके माइंड में आ जाना चाहिए. ठीक है, इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ पॉस्चर एंड मसल टोन, जो आपकी बॉडी पॉस्चर है और मसल टोन है उनकी मेंटेनेंस